नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल की लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। दोनों को ही इसी महीने से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए टीम इंडिया में चुना गया है। राहुल को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। ऐसे में उनका लगभग सभी मैच में खेलना भी तय है। जबकि विराट कोहली की बात करें तो आपको बता दें कि विराट कोहली पर मैनेजमेंट को अब भी पूरा भरोसा है। उन्हें भी एशिया कप के लगभग हर मैच में मौका मिल सकता है। एशिया कप में भारत को पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। यदि पाकिस्तान के खिलाफ भी दोनों को मौका मिलता है तो यह राहुल का 94 दिन और विराट कोहली का 41 दिन बाद कोई मैच होगा। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ बड़े नाम के आधार पर इन खिलाड़ियों को बगैर किसी प्रैक्टिस मैच या कोई दूसरी सीरीज खेलते इस मैच में उतारना सही रहेगा। दोस्तों आपको बता दें इसमें बड़ी बात यह है कि विराट कोहली पिछले 5 महीने से कोई इंटरनेशनल अर्धशतक और 2.5 साल से कोई शतक भी नहीं लगा सके हैं। वहीं लगातार रन बनाने के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। जबकि आपको केएल राहुल की बात करें तो बता दें कि केएल राहुल ने हाल ही में जर्मनी में अपना ग्रोइन की सर्जरी कराई है। फिलहाल वह ठीक है मगर सीधे पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच में उन्हें भी उतारना बड़ा रिस्क हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल ने अपना पिछला मैच आईपीएल में बतौर कप्तान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इसी साल 25 मई को खेला था। इसमें राहुल ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 79 रनों की पारी खेली थी। इससे ठीक पहले वाले मैच में राहुल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नाबाद 68 रन बनाए थे। वही फॉर्म में तो नजर आ रहे थे मगर सर्जरी के बाद सीधे एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खिलाना सही फैसला नजर नहीं लगता। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने पिछला मैच इसी साल 17 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में उन्होंने 17 रन ही बनाए थे। कोहली ने हाल ही में हुए इंग्लैंड दौरे पे 6 इंटरनेशनल पारियों में सिर्फ 76 रन ही बनाए थे। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होने वाले यूएई में होने वाले एशिया कप 2022 में 6 टीमें भाग ले रही हैं। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। वहीं क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के बाद छठी और अंतिम टीम का निर्णय होगा। 6 टीमों का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट 20 अगस्त से शुरू होगा जिसमें हांगकांग, कुवैत, सिंगापुर और यूएई शामिल हैं।